पहले की कक्षाओं में जो पढ़ा होगा कि बादल जो होते हैं वो वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार के बादल वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन करते हैं, तो बादलों के द्वारा जो वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होता है उसे ही वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपरेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, मुख्य तौर पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, लेकिन केवल पत्तियां ही वाष्पोत्सर्जन करती हैं ऐसा भी नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के अलावा पादप की वायवीय भाग के द्वारा होता है, जैसे तना है, शाखाएं हैं। तो सही अर्थों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह पादप के वायवीय सजीव ऊतकों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में आनी या जल का वाष्प के रूप में होने वाला उत्सर्जन है। यानी वाष्पोत्सर्जन की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं कि पादप के वायवीय भागों के जीवित ऊतकों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि केवल पत्तियां ही नहीं, वायवीय भाग और वायवीय सजीव भाग, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है, एक सजीव प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन में वाष्प का बाहर निकलना होता है, वाष्प का उत्सर्जन होता है, यानी जल का वाष्पीकरण होता है। और इस कारण से हम इसको कई बार वाष्पीकरण समझ लेते हैं, लेकिन यह वाष्पीकरण नहीं है, क्योंकि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में कुछ मोटे मोटे अंतर हैं। सबसे पहला अंतर तो यह है कि वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि वाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया है। वाष्पीकरण में कोई जैविक कारक, कोई जैविक ऊतक, कोई सजीव कोशिकाएं काम नहीं आती हैं। वाष्पोत्सर्जन में सजीव कोशिकाएं, जैविक ऊतक, जैविक बल, ये सब काम आते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो सजीव ऊतकों के द्वारा होता है, जो क्यूटिकल है उसके द्वारा या वातरंध्र या रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पीकरण में अधिचर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह किसी भी सतह के द्वारा हो सकता है। तीसरा अंतर है वाष्पोत्सर्जन जीव कोशिकाओं के द्वारा होता है, जबकि वाष्पीकरण में जीव सतह के द्वारा होता है, हमने चर्चा की। और वाष्पोत्सर्जन में कोशिकाओं में, जीव कोशिकाओं में जो जैविक बल है वो उत्पन्न होते हैं। जैविक बल हमने पढ़ा है, पराशर लाभ है, स्पीड लाभ है, ये सब जैविक बल है, ये जीवित कोशिकाओं में भी उत्पन्न होते हैं। तो इनके कारण से वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पीकरण के लिए किसी भी प्रकार के जैविक बलों की प्रकार फोर्सेस की आवश्यकता नहीं होती। और वाष्पोत्सर्जन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फंक्शन है, जो महत्व है वो ये है कि इसके द्वारा पादप की सतह नम हो जाती है, और इस कारण से पादप सूर्य से आने वाले अत्यधिक तेज किरणों से, अत्यधिक तापमान से अपने आप को बचा लेता है। हम सबने महसूस किया होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आसपास की जो हवा होती है वह नम होती है, वो इस कारण से ही होती है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पेड़ पौधों से जब वाष्प के रूप में बाहर निकलता है वह आसपास जमा हो जाता है, और पत्तियां और उसके आसपास का जो वातावरण है वो नम हो जाता है, जिस कारण से हमें पेड़ पौधों के आसपास ठंडक का एहसास, ठंडक का अनुभव होता है। विद्यार्थी, जैसा कि हमने जाना वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है इसके लिए हम पादप की जो पत्तियां होती हैं उनकी संरचना के बारे में थोड़ा जान। पत्तियों की जो संरचना होती है विद्यार्थियों, उसमें कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं,
पक्षी की एक अवकाश है। दो कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश पाए जाएंगे वो अंतर कोशिकीय इंटरसेलुलर स्पेस। तो कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं ये आपस में जुड़ी हुई है और ये भित्तियां जल के कारण से नम होती हैं। इस नमी के कारण से जो जलवाष्प है वो अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है। जो वाष्प है, जो नमी है, वो कोशिकाओं से होकर अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है। अंतर कोशिकीय अवकाश में जल विभव अधिक हो जाता है। रंध्र को
घेरने वाली जो कोशिकाएं हैं ज्यादातर ये वृत्ताकार होती हैं। किडनी शेप होती है, अंदर के चारों तरफ उपस्थित वृत्ताकार कोशिका द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहलाती है। विद्यार्थियों ये ज्यादातर वृत्ताकार होती हैं, लेकिन कोएसी यानी घास फूल में ये डंबलाकार होती है। जो ग्रेनेडी या कोएसी फूल है इनमें इनकी आकृति इस प्रकार की है। जो कोएसी फूल के रंगों का महत्वपूर्ण लक्षण तो रंगर के दोनों तरफ जो वृत्ताकार या डंबलाकार कोशिकाएं होती हैं उन्हें द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। इनका महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इनकी जो आंतरिक भित्ति है रंध्र की तरफ आंतरिक भित्ति मोटी और जो बाहरी भित्ति है वह पतली होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि रंध्र को खुलने और बंद होने में जो क्रिया विधि है उसमें सहायता मिल सके। याद रखना द्वार कोशिकाओं में स्टार्च मंड ये सब पाए जाएंगे। द्वार कोशिकाएं पर्णहरित युक्त होती है तो इनकी जो आंतरिक कोशिका सभी या कोशिका दिखती है वो मोटी होती है और बाहरी कोशिका की पतली होती है। इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ जो अन्य कोशिकाएं होती हैं अन्य उपचर्बी कोशिकाएं होती हैं उन्हें सहायक एक्सेसरी कोशिकाएं कहते हैं। जो इनके चारों तरफ चित्र में आप देख रहे हो दोनों ही अवस्थाओं में ये एक खुले हुए रंध्र का चित्र है और ये बंद रंध्र का चित्र है। खुलने और बंद होने की जो क्रिया विधि है वो कोशिकाओं में उत्पन्न बलों के आधार पर होती है। विद्यार्थियों जब सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में अंदर की तरफ बंद हो जाते हैं। द्वार कोशिकाओं की